सारे नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए मीडिया को लेकर बात हो रही है। और पहले के अगर आर्ट को देखें तो लोगों ने किस तरीके से काम किया, या जितने भी हमारे इंडियन आर्टिस्ट है या बाहर के भी आर्टिस्ट है, उन लोगों ने अपने अपने काम को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिनको आज हम देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो आज जो हमारे हमारे सामने एक दस्तावेज के रूप में है, तो इसके लिए हम एक तरीके से एक कड़ी ही बनते हैं कि लोगों के सामने हम अपनी बात को लाएं, अपने कलाकारों की बात को लाएं, वो कर क्या रहे हैं या कला की दुनिया में हो क्या रही है, तमाम विधाओं में प्रयोगात्मक हो रहे हैं। तो आज उसी चीज़ को लेकर के हमारे बीच एक युवा कलाकार मोहम्मद माजिद मंसूरी हैं, जिन्होंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से ही मास्टर्स किया फाइन आर्ट में, और आज नेशनल स्कॉलरशिप में ललित कला की तरफ से इनको मिला हुआ है, और ललित कला लखनऊ में ये इस टाइम काम कर रहे हैं। तो आज इनसे ही बात करते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बनाया कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए और उनको सामने लाने के लिए, जिसका नाम है वर्ण अभिनय, जो 2015 में इन्होंने शुरू किया, और आज वो भारत के बहुत सारे राज्यों में कलाकार से जुड़े हुए हैं, जो तमाम गतिविधियों को इनके ग्रुप में वो चर्चा होती है, बातचीत होती है। तो आइए आज उनके ही बारे में बात करते हैं कि काम को लेकर के ये किस तरीके से अपने आर्ट वर्क को अंजाम दे रहे हैं। तो मोहम्मद वाजिब मंसूरी, आपसे बात करते हैं कि आप थोड़ी सी शब्दों में बताइएगा कि मतलब कैसे यहाँ तक आना हुआ, इस फील्ड में कैसे आप आज इस स्टेज तक पहुँचे, और अभी खैर संघर्ष तो जारी है, और अभी मतलब यहाँ तक आने के लिए आपका क्या रोल रहा या किसका रोल रहा, किस तरीके से, कुछ थोड़े शब्दों में। एक्चुअली इन सब चीज़ों में काफ़ी बड़ा योगदान मेरे फादर का रहा है, क्योंकि मैं एज अ पेंटर मैंने करीब 10 साल मैंने काम किया है। तो मैं क्लास 7 से 8 से लेके मैं ब्रश से काम कर रहा हूँ। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये फील्ड इतनी ब्रॉड हो सकती है कि इस स्टेज पे मैं आज काम कर रहा हूँ। मैं केवल एक कैलीग्राफी या कुछ चित्रों तक सीमित था, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें जनरली लोगों को मालूम होता है हुसैन, तो मुझे भी एक कोई आर्टिस्ट मालूम था, वो हुसैन थे। धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आया, मेरे जो प्रोफेसर थे मोहम्मद आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस फील्ड के बारे में मुझे बताया कि पेंटिंग भी कोई फील्ड होती है, उसमें आप चित्र बना सकते हैं। और इसके पहले मेरा एक विज़न था कि मैं आईएएस बनूं। मैं मैथ और फिजिक्स में मेरा काफ़ी लगाव था उस समय, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो धीरे धीरे वो लगाव छूटता गया। मैंने पाया कि आर्ट फील्ड उन सब चीज़ों से ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा रचना कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। वो चीज़ें आपका फिजिक्स या फिजिक्स मैथ में आपका कैलकुलस है या चीज़ें हैं, तो आज भी हम वेस्टर्न पैटर्न तो उसको कैलकुलस को पढ़ते हैं या उसके जो सूत्र होते हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग था मेरे लिए, एक नया आयाम था, नई रचना था। मैं इसमें नए आयामों को खोज रहा हूँ लगातार। और जैसे कि बहुत टाइम पहले जब आर्ट ऑफ हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो जो मेरा काम है, मैं एक कैजुअल फॉर्म को लेके काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे अभी 2018 का एक नया काम है, कैजुअल फॉर्म का ये जेड सीरीज है। इसके पहले मैं जी सीरीज पे काम कर रहा था, वो लाइन का उसमें महत्वता ज़्यादा थी। तो जेड सीरीज और जी सीरीज में क्या अंतर क्या? हाँ, एक्चुअली जी सीरीज जो मैंने रखा हुआ, एक्चुअली ये कैजुअल फॉर्म जो है, एक सहज सहजता को लेके, कैजुअलिटी को लेके मैं काम कर रहा हूँ। तो जो जी सहजता मतलब किस चीज़ को लेके? सहजता मीन्स के आकारों की सहजता, लाइन्स की सहजता। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं यहाँ से लेके मैथमेटिक्स की तरह यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचने वाला हूँ, वो सहजता। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉर्निंग टाइम जाते हैं, तो हमारा जो भाव होता है वो बड़ा मतलब बिल्कुल सहज भाव होता है। वो जो जिंदगी का जो भाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जब हम टिफिन टॉप होके निकलते हैं तो टिफिन टॉप होता है, यानी वो हम बनाए हुए होते हैं कि आज मैं ये क्लियर करूँगा कि आज मैं किस तरीके की शर्ट पहनूँ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन सहज भाव एक अलग होता है। तो
उस सहज भाव में मैं आकारों को पेंट कर रहा हूँ और आकारों का जो सेंस है मेरा, मैं कैसे आकारों को पेंट कर रहा हूँ, काफ़ी बार ये चर्चा हुई है कि क्या है ये कैजुअल फॉर्म क्या है। तो मेरी नज़र में जैसे कैजुअल फॉर्म में आकारों को लेके जैसे बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखते हैं कि कुछ बच्चे और बच्चे बादलों को देखते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जैसे मान लीजिए एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मैंने बादल देखे बादल देखे, तो बादल देखते ही उसके मन में भाव आता है कि एक हाथी बन गया, प्रौढ़ हाथी, एक हाथी बन गया, दूसरा बोल रहा है घोड़ा बन गया, तीसरा बोल रहा है हिरन बन गया, चौथा बंदा आता है तो वो कहता है रुई जैसा सॉफ्ट है ये बादल, बर्फ जैसा सफ़ेद है बादल। बट कभी हम ये जब सोचते हैं, जो देखने का नज़रिया है हमारा, देखने का जो नज़रिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बादल ही है, वो ना ही हाथी है ना ही घोड़ा है। तो मेरा जो कैजुअल फॉर्म है, जो पेंटिंग है मेरा, वो केवल पेंटिंग है। हाँ, वो केवल एक आकार है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ। तो आकारों का कोई पहले से प्लान होता है कि हमको ये आकार लेना है? नहीं, ये आकारों का जो है वो आकारों का प्लान पहले से नहीं होता है, लेकिन जिस समय मैं आकारों को पेंट करना स्टार्ट करता हूँ और सतह पे जब पेंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो उसी तरीके से माइंड में सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं कि अभी ये ह्यूमन आकार बनने वाला है। और साथ ही मैं कुछ कलर्स पे लेके काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी कुछ जो शोध किए हैं कलर को लेके, वो ये हैं कि कलर की जो रंग का जो गुण होता है वो एक ह्यूमन गुण से काफ़ी मिलता जुलता होता है। जैसे उसका एक गुण होता है कि कलर जब पूरा तरीके से आप उसको लिक्विड बना हुआ होता है, आजकल तो कैमिल के इन सब चीज़ों के चीज़ें कलर्स में मिल रही हैं, तो ईजिली लोग डालते हैं उसको वाटर कलर कर लेते हैं। तो मेरे अधिकतर काम इस टाइम पे मैं वाटर कलर और एक्रेलिक कलर से कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं एक कलर को ज़्यादा पानी की मात्रा में देके जब उसको एक सतह पे रखता हूँ, तो कुछ समय जब उसको मैं उसका वेट करता हूँ कि अभी ये कलर अपने भाव में आएगा, मैं देखता हूँ कि उसका जो वास्तविक स्वभाव है, जो नेचर है, वो ऑब्जर्व कर लेता है एक सतह पेपर, और इसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो पानी बचता है, वो पानी बचता है, उसके बाद एक वो नीचे से दूसरी सतह बना लेता है। तो मैं इसकी ह्यूमिडिटी के भाव पे इसको लेके जाता हूँ, और मैं इसको फिर उसके केवल भाव को यानी उसके केवल आकार को, मतलब कि जो मूल चीज़ है वो रहे या बाकी चीज़ें, बाकी जो एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं वो उसके सपोर्टिव होंगे, सपोर्टिव हों, एक नया आकार मैं पाता हूँ। तो अभी कितने, मतलब कितने साल हो गए आपको इस, मतलब इस फील्ड में काम करते हुए? ये टोटल अगर मैं जब से मैं पेंट कर रहा हूँ अगर मैं उसको जोड़ूँ तो करीब मैं मुझे 12 साल हो गया है यहाँ पे पेंट करते करते, और अगर मैं फाइन आर्ट की फील्ड में मैं जोड़ूँ तो मैं 8 साल से अभी कार्यरत हूँ, लगातार अभी चित्र बना रहा हूँ, और समय समय पे मैं अपने विचार भी देता रहता हूँ आर्ट और आर्ट एजुकेशन को लेकर कि किस तरीके से आर्ट और आर्ट एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो कला शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी गिरता जा रहा है। तो मैं कभी कभी समय समय रहते कला शिक्षा ललित कला एकेडमी और इन सब चीज़ों पे भी विचार रखता रहता हूँ, तो उस तरीके से मेरा काम होता है। तो अभी जो काम कर रहे हैं, जो आपको ललित कला का स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है, तो उसमें आपका क्या, मतलब कोई सब्जेक्ट है या किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं? एक्चुअली जो अभी मुझे नेशनल स्कॉलरशिप पे जो मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मैं पेंटिंग विषय में ही मुझे ये स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो उसमें कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट लिया है? नहीं, इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होती है, ये इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे आप कार्य कर सकते हैं, वो पेंटिंग हो, तो मैं उसी में इस फॉर्म में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब पेंटिंग के साथ लिखते भी हैं, तो पेंटिंग के साथ मतलब चित्र भी बनाते हैं और लिखने का भी शौक है, तो लेखन किस तरीके का है, मतलब कविताओं में या साहित्य में वो किस तरीके से, या आप उसी चित्रों को अपने उस भाषा में लिखते हैं या कैसे, मतलब
लेखन में कैसे आपका? एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं लिखता हूँ वो पेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो मैं लिख चुका हूँ उसको पेंट करने की मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आती है। तो जो पेंट करते हैं क्या उसी को लेके लिखते हैं, शब्दों को देते हैं? हाँ, लेकिन जो मैं पेंट करता हूँ उसको लेके मैं कभी कभी लिखता भी हूँ काम के ऊपर, और अधिकतर जो मेरे लेख होते हैं वो आर्ट अवेयरनेस को लेके होते हैं, आर्ट एजुकेशन की अवेयरनेस को लेके होते हैं। ललित कला की में जो चित्रकार हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं इंडिया में, और जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी की एकेडमी पे भी मेरी नज़र रहती है कि तो कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उन पे नज़र रहती है। जिस तरीके से अभी जो काम हो रहे हैं ललित कला में, तो अभी ऑल ओवर जो जिस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे एक तरीके से एक ऐसा प्रहार चल रहा है जो आगे फ्यूचर में जाके बड़ा घातक साबित होने वाला है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आप संविधान में पाते हैं कि एक स्तंभ माना गया है चित्रकार को, कलाकार को, इन लोगों को, कि वो अपनी स्वतंत्रता से अपना शोध करें और अपनी बात को रखें, लोगों के सामने लाएं चीज़ें। लेकिन अभी क्या है कि अभी चीज़ें बिल्कुल पलट गई हैं। अभी क्या कि अपने विचारों को राजनीतिक तरीके से लोग पेंट करवा रहे हैं और उनको कुछ पैसे दे के कलाकारों को कि नहीं आपको ये बनाना है, अभी आप ये बनाएंगे। अभी आप तो अभी क्या कि आर्टिस्ट बाउंडेड हो गया है कि मुझे जैसे कि ये बनाना है और इस पर मुझे अवार्ड मिलेगा, कालीदास बनाना है मुझे, मुझे विवेकानंद बनाना है, मुझे कुछ भी बनाना है। मतलब ज़्यादातर सम्मान के लिए ही काम किए जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि कोई विशेष हस्ती है, वो कोई छोटी हस्ती है, हस्ती है, अच्छी बात है, काफ़ी महान हस्ती है, लेकिन क्या हमारा कला शोध जो हम कर रहे हैं वो किसी एक विशेष ऐसे चित्र को लेकर सीमित है? उसके लिए आज हमारे पास न्यू मीडिया में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसपे हम प्रॉपर तरीके से उसको अपडेट करते ही रहते हैं, तो वो चित्रों में पेंट करने की क्या जरूरत है? अच्छा, जैसे भारत के और भी प्रदेशों में मतलब देखने में आता है, खैर वहाँ जाके ही पता चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो वहाँ के हालत को पता है, और यहाँ रहते हुए हम लोग अन्य प्रदेशों का देखते हैं तो बहुत गतिविधि हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रही है, और वहाँ के जो कलाकार हैं एक दूसरे के सहयोग की भावना भी दिखती है। अब वहाँ कितनी है या नहीं है वो तो जाकर के ही देखना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को हम अगर देखें कि मतलब देखने के तौर पे देखें कि उत्तर प्रदेश मतलब कला में बहुत बड़ा एक प्रदेश रहा है, बहुत सारे यहाँ के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट हमारे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज रहा है, जो आज कभी सर्वे होता तो उसका नाम तक नहीं आता है, तो इसका जिसकी वजह से पूरे यूपी में एक प्रचार प्रसार रहा कला को लेकर के, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कलकत्ता से आए और भी जगहों से लोग आए यहाँ, एक उन्होंने एक माहौल बनाया, तो आज उत्तर प्रदेश में कला का जो माहौल है मतलब जो तरीके से होना चाहिए वो मतलब क्या है, मतलब क्या वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है? एक्चुअली इन सब चीज़ों को लेके जो हम बात करते हैं तो कला शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब कला शिक्षा की हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक कैसा है आपका। अब शिक्षक कैसा है, शिक्षक तो वैसा ही होगा जैसा आपने रखा है, जैसे हमारे यहाँ अमिटी कॉलेज है और सती कला है, इतने सारे नए कॉलेज हैं और आर्ट्स कॉलेज काफ़ी पुराना है, ये सारे तो अभी एस्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन हम ये मतलब इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, अपने कला के पक्ष को लें तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे, जबकि यहाँ के जो यंग आर्टिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जगह जगह, अभी भोपाल में, अभी जयपुर में त्रिनाले चल रहा है सिरेमिक का, वहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश के दो कलाकार हैं जो अच्छे कलाकार, वहाँ उनको सिरेमिक को प्रेजेंट किया गया, लोग काफ़ी उसको पसंद कर रहे हैं, और वो इंटरनेशनल स्तर का वो कार्यक्रम है, और दिल्ली में भी, मुंबई में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाकर के अपना परचम ला रहा है उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने, लेकिन सिर्फ बाहर ही जा कर के लोग कर रहे हैं, अपने मतलब उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, मतलब आप अपने हिसाब से क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या वो यहाँ भी उतने ही सक्रिय हैं या सिर्फ यहाँ काम करते हैं और बाहर जाकर के प्रोजेक्ट करते हैं? एक्चुअली क्या इसमें काफ़ी सारी धारणाएं बन चुकी हैं काम को लेकर, कला को लेकर, कलाकारों की, और लंबे समय से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो कलाकार है, यंग आर्टिस्ट है, वो कंटिन्यू आयामों को बढ़ा रहा है, खोज कर रहा है, और बाहर इंटरनेशनल लेवल पे बिनाले वगैरह में शो कर रहे हैं, सेरेमिक से,
पेंटिंग से, स्कल्पचर से, वो काफ़ी ज़्यादा आयाम बढ़ चुके हैं अभी। और क्योंकि न्यू मीडिया काफ़ी हावी हो चुका है, तो न्यू मीडिया में अभी यूपी के बहुत सारे आर्टिस्ट अभी सक्रिय हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं। एक स्तर पे यूपी है, और यूपी में आप लखनऊ देखते हैं, बनारस देखते हैं, तो यंग आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया पहले की अपेक्षा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हम यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ को क्यों नहीं डेवलप करते, तो क्या है कि हाँ, इसमें ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सपोर्टेड जो लोग होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर्ड करने वाले जो लोग होते हैं कलाकार के पास, आप सोचते हैं जैसे रंगीन तितली जो दिखाई देती है आपको, वो तितली नहीं है, सीमित साधन है। आपको जो तितली रंगीन दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी आपको दूर से जरूर दिखाई दे रही है, बट उसके अंदर रंगीन तितली के अंदर भी और भी सारी चीजें हैं। लेकिन अभी है कि उनके पास सीमित साधन है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कलाकारों को प्रोत्साहित करें, तो वो यहाँ की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं होती है? देखिए उसमें दोनों, या उनको इस तरीके से जागरूक नहीं है, या उनको जो यहाँ के लोग हैं या जो उस चीज़ को समझने वाले लोग उनको नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं। जागरूकता से ये लंबा गैप क्यों बनता जा रहा है? जागरूकता से आपको बात बताना चाहूँगा, लंबे अरसे से यहाँ पे कोई इस तरीके से बड़ा कोई फेस्टिवल कुछ ऐसा हुआ नहीं, या जिसमें लोग एक साथ आर्ट के इवेंट में शामिल हों, ऐसा क्यों? काफ़ी लंबे समय से चूँकि आर्ट्स कॉलेज ही था यहाँ पे, इसके पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो आर्ट्स कॉलेज जब होता था तो वहाँ का आर्ट फेयर होता रहता था, और इससे लोगों को पता चलता था कि आर्ट भी कोई चीज़ है। लेकिन वो भी एक सीमित ही एक सीमित दायरा है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि सारे लोग उससे जुड़ सकें। तो कुछ अच्छा तो सारे लोग उससे जुड़ सकें ऐसा प्रयास नहीं रहा। लेकिन हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, कोई चित्रकला कोई परंपरागत हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा रहा नहीं, तो हमारे संस्कारों में चित्रकला नहीं है कि जैसे कि फोक सॉन्ग होते हैं। यूपी का फोक क्या है? यूपी में का एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब फोक आर्ट में, मतलब फोक संगीत तो लोग सुनते हैं, मतलब फोक चित्रों में क्या है? चित्रों में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं, बुंदेलखंड में अलग है, जैसे बुंदेलखंड में जैसे राई डांस करते हैं, तो राई डांस के अलावा भी वहाँ जो फोक है तो उसका फोक चित्रकारी का फोक अलग है। उन्नाव में जाएंगे तो उसका अलग मिलेगा, हरदोई में जाएंगे उसका अलग मिलेगा, और आपका लखनऊ का स्टगो म्यूरल अलग मिलेगा। तो ये यूपी चूँकि बड़ा है काफ़ी, तो उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं, उसकी फॉर्म बदलती जाती हैं, कलर्स बदलते जाते हैं, आर्किटेक्चर का फॉर्म बदलता जाता है। तो इसी तरीके से लखनऊ है हमारा, और यूपी के जो आर्टिस्ट हैं यहाँ नहीं करते हैं तो उसका दो पक्ष हैं। पहली बात, यहाँ का जो मीडिया है उसका स्तंभ बहुत कमज़ोर है यहाँ पे। मीडिया तो हर जगह का ही कमज़ोर है। नहीं नहीं, हर जगह का कमज़ोर नहीं कह सकते आप, मेरा एमपी का मीडिया देखा हुआ है तो उस पर तो मैं बात कर सकता हूँ। यूपी का मीडिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रगलर आर्टिस्ट का शो चल रहा है, वो बड़ा स्ट्रगलर आर्टिस्ट है, जैसे तैसे फिल्म करवाता है, एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट दिन रात काम कर रहा है, उसको पता है कि 200 रुपए की 6 सीट आती है वो कैसे खरीदता है, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे प्रॉपर पैसा आए, वो लेकिन फिर भी कंटिन्यू काम कर रहा है। अब उससे आप मुझसे अब ये पूछेंगे कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, ये क्या होगा, मैं आपको नहीं बता सकता क्या करूँगा, मैं तो जो कर रहा हूँ भाई। तो सपोर्ट क्या, उसके पास तो मीडिया सपोर्ट है, सपोर्ट मीडिया ही है कि आप बताएं लोगों को जाके कि ये आर्टिस्ट है, ये काम कर रहा है, लोगों को अवेयर करें, चित्र ये हैं। तो मीडिया तो वो काम नहीं करती, मीडिया केवल उतना काम कर रही जिससे पैसा मिला उसका निकाल दिया। अब जिस हाँ तो जो हाँ नव सीखिए जो लोग मतलब यहाँ के दो महीने से काम को मतलब काम करने में ये लोग पीछे हैं, मतलब लेखन में यहाँ की मीडिया मतलब आर्ट और कल्चर में मतलब एक कमजोर कड़ी है, बहुत कमजोर कड़ी है जिससे आर्ट एंड कल्चर को बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब अन्य जगहों के अपेक्षा, अन्य जगहों की अपेक्षा, राजस्थान है, भोपाल है, आपके मुंबई है, या जहाँ पे मतलब हम लोग देखते हैं ये अच्छे अच्छे कवरेज होते हैं, भोपाल में भारत भवन में अच्छे शो होते हैं, वहाँ पे लोग कवर करते हैं चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। अभी हाल में ये कुछ शो था तो उसमें मेरा भी 10 आर्टिस्टों में नाम था इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ से तो किसी ने कवर नहीं किया, किसी का 15 में नाम है, किसी का 10 में नाम है, किसी का 9 में नाम है,
25 में नाम है एक इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन किसी को पता नहीं कि इन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब हम लोग एमपी को जब देखते हैं तो वो बड़ा सा लिख के आता है कि ये आर्टिस्ट और इसमें इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया और इनको ऑनर दिया गया। तो वो चीज़ यूपी का आर्टिस्ट तो वैसे ही खत्म हो गया, लेकिन यूपी का जो मीडिया वो कैसे कवरेज करता है? किसी ने 2 महीने किसी चित्रकार से सीखा और अपना चित्र एग्जीबिशन हॉल में लगा दिया, उसके लिए 50 मीडिया एक बड़ा बड़ा सा लिख के भेजते हैं जिसकी कोई जर्नी नहीं है, उसके लिए आप इतना कर रहे हो जो पूरा अपना जान लगा के पूरा काम कर रहा है और आर्ट को ही सब कुछ मान रहा है और आर्ट के अलावा वो कुछ उसे आता भी नहीं है कुछ। वो मैं आप कहेंगे और कुछ कर लो भाई, कहाँ से कर लो, मुझे यही आता है, ठीक है मैं नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए तो मीडिया नहीं है। मतलब जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उनके लिए मतलब बहुत कमी है। हाँ, आर्ट एंड कल्चर पे कोई ऐसा वो नहीं है यूपी की मीडिया का कि वो कवरेज करें और पर्टिकुलर आर्टिस्ट से मिलें या उसके काम पे बात करें और एग्जीबिशन हॉल तक आर्ट क्रिटिक आए या कल्चर को जानने वाले यहाँ लोग देखें उनको, तो ये चीज़ बची नहीं है। अच्छा, जैसे मतलब इस फील्ड में आने के बाद मतलब होता है कि हम एक आर्ट के एक अच्छे लेवल पे जाएंगे तो एक स्टूडेंट आता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर जब उसको पता चलता है कि इसके आगे और भी बहुत बड़ी दुनिया है, तो इस तरीके से आप भी सोच के आए होंगे कुछ इस तरीके से, तो जो आपने वहाँ सोचा था कि हमको एक लेवल पे जाना है, तो अभी अपने आप को उस लेवल से कहाँ मतलब कितनी दूर पाते हैं? या अभी खैर वो सीखना तो पूरी लाइफ है, लेकिन अभी आप क्या परसेंटेज में है कि हम उसको, या उसमें क्या आपका योगदान है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो आपने मतलब पहली बार सोचा हुआ? मैं पहली बार जब प्रवेश मैंने किया कॉलेज में तो मेरा था उद्देश्य कि मैं एक हुसैन की तरह चित्रकार बनूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपका नाम मोहम्मद मजीद मंसूरी है तो आपको हुसैन क्यों कहा जाता? एक्चुअली कुछ टाइम पहले कुछ मैं चित्र लाइंस की जो खींच रहा था, अच्छा, तो कुछ लोगों ने मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम्हारा लाइन बहुत अच्छा है, तुम्हारा लाइन जो नेचर है वो हुसैन 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 जैसा प्रभाव आप तुम्हारे उसमें दिखता है। अच्छा, तो लोग हुसैन हुसैन कहने लगे। वैसे अभी भी बहुत सारे लोग मुझे केवल ऑल ओवर इंडिया में हुसैन के नाम से ही बहुत सारे लोग जानते हैं। तो क्या आप सेकेंड हुसैन बनने की कोशिश है? वो मैं सेकेंड हुसैन नहीं बन सकता क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है और उनका जो चीज़ रही है वो बहुत कुछ देखे गए हैं। नहीं, बन भी सकते हैं क्योंकि अगर उस तरीके से काम किया जाए तो बन भी सकते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। हुसैन एक ही था और उनके बाद दूसरा हुसैन नहीं आएगा। और मैं मजीद हूँ, मैं मजीद ही हूँ। खैर, उनकी एक लाइफ स्टोरी बहुत तो हो रही है। हाँ, ये सही है कि अपनी एक पहचान कायम हो। खैर ठीक है, प्रभावित तो हर आदमी होता है किसी न किसी के तरीके से, और जहाँ तक ये होनी चाहिए कि प्रभाव से बचना भी चाहिए। चलिए, खैर ये तो एक बात रही, लेकिन अब चीज़ों को लेकर के आते हैं आपके थोड़ा सा कामों को लेकर के, कि आप जो मतलब और कुछ अपने वर्क के बारे में बताइए। जैसे कई सीरीज पे आप काम कर रहे हैं, या रंगों का चयन किस तरीके का होता है, मतलब कैसे रंगों का चयन करते हैं? रंगों का जो मेरा चयन होता है वो कुछ वेल प्लान नहीं होता है स्टार्टिंग से, कि मेरा इसमें एक विचार है कि मैं कोई ऐसा इंजीनियर नहीं हूँ कि पहले से ये डिसाइड कर लूँ कि कितना सरिया लगना है, कितना ईंटा लगना है इसमें, और इसके बाद मैं उसको एक पुल तैयार कर लूँ। मेरे ऐसे कोई विचार नहीं होता है। रंगों का जो चयन होता होगा उसका भी कुछ मतलब आइडिया होता होगा कि हमको इन सब रंगों पे ही काम करना है? आइडिया होता है जब मैं किसी सतह को देख के, जब मुझे ये क्लियर होता है कि मैं आज पेंट करने जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में आता है कि आज मैं येलो पेंट करूँगा, आज मैं ब्लू पेंट करूँगा, तो मेरा उद्देश्य होता है ब्लू पेंट करना। जैसे ये कैनवास आप देख रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य था मैं ब्लू पेंट करूँ, तो ब्लू पेंट के दौरान ब्लू के टोन्स जो मैंने यूज़ किए हैं, ब्लू के ह्यू जो यूज़ किए हैं, और उसके बाद एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, तो मेरा जो भाव था केवल ब्लू था। तो ब्लू ही क्यों? ब्लू ही क्यों मीन्स कुछ ऐसा कोई खास रीज़न नहीं होता है। जैसे आप सुबह जाते हैं तो कोई खास रीज़न नहीं होता कि आज मैं ब्लैक शर्ट पहन के आऊँगा। ये हमारी कैजुअलिटी होती है कि आज जो आप देखा है कि आज ये सलो आज ब्लू पहनते हैं शर्ट, आज येलो पहनते हैं, तो कोई ये वो नहीं है कि ब्लू ही पहनना है। नहीं, कहीं कहीं वो आता होगा ना कि हम आज ये पहनेंगे, या उसका पसंद होगा, या उसको
हो सकता है कि आज हमको कहीं जाना होता है, प्लान तो होता है कहीं कुछ कि हमको आज ब्लू पहनना है या लोग सामने जाएंगे तो इस तरीके से दिखना चाहिए। ये मोस्ट जो चीज़ें होती हैं वो खाने पहनने अट्रैक्शन पे तो लोग अट्रैक्शन पे होता है। और मेरे कुछ कलर्स हैं वो काफ़ी चुनिंदा कलर्स मेरे हैं, जैसे मैं येलो यूज़ करता हूँ, ब्लू यूज़ करता हूँ, इस टाइम पे मैं ग्रेटॉन यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक का भी यूज़ चाहिए? नहीं, ब्लैक यूज़ नहीं करता हूँ मैं अधिकतर अपने कामों में। इसके पहले जो मैं खिलौने की सीरीज पे काम कर रहा था तो उसमें ज़रूर मैं ब्लैक यूज़ करता था, शेड लगाता था, येलो वाइब्रेंट कलर यूज़ करता था, जैसे एक बच्चा कलर यूज़ करता है करीब 2 साल पहले। तो अभी मैं वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हूँ और अब मैं ग्रेटॉन ब्लू और इस तरीके से उनके ह्यू पे काम कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो कलर्स में मेरे लिए केवल ये होता है कि आज मुझे ब्लू यूज़ करना है, आज मुझे येलो यूज़ करना है, उसके टोन और उसके चीज़ों के साथ। कुछ वर्क में हमने देखा था दिल्ली में शो हुआ था, उसमें कुछ चटकीले रंग थे और कुछ फॉर्म थे, कुछ एनिमल्स के फॉर्म थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो दिल्ली में शो किया, दिल्ली में जो मेरा शो था वो 2017 में शो था, 16-17। क्या था उसका शीर्षक? वो कैजुअल फॉर्म ही उसका शीर्षक था और वो मेरी जी सीरीज़ का जो मैंने जिक्र किया था वो जी सीरीज़ के काम थे उस टाइम पे। मैं जी सीरीज मतलब किसी एक शब्द, मतलब जी केवल एक शब्द है वो, कि जैसे एक सीरीज मैंने ख़त्म की, जैसे एम किया ख़त्म, एम के बाद मैंने जी रख दिया, जी के बाद। कहाँ से हुआ इस सीरीज का, मतलब ए बी सी प्रॉपर वहाँ से? नहीं, प्रॉपर इसका मैंने सीरीज स्टार्ट नहीं की, इसके पहले मैं ई पे काम कर रहा था, फिर ऐसे मतलब जो मूड में आ गया कि नहीं अभी ई लिखते हैं इसको। तो मैंने सीरीज स्टार्ट करने का क्या पर्पज़ होता है कलाकारों का? क्योंकि जैसे बहुत सारे कलाकारों देखा वो फला सीरीज पे काम कर रहे हैं, पिकासो का देखा ब्लू सीरीज है, पिंक सीरीज है, रेड सीरीज है, इंडिया में भी बहुत लोगों ने एक सीरीज पे ड्राइंग की है, तो सीरीज क्यों मतलब स्टार्ट? एक्चुअली कोई पर्पज इसका वो, इसका जो पर्पज है, एक किसी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और हमें लगता है कि एक फॉर्म है या एक लाइन है, उसको हम कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसमें और कुछ की जा सकती है और उसमें हम कितने आयाम देख सकते हैं। तो किसी एक चीज़ को पेंट करने के बाद, एक सतह को पेंट करने के बाद ये क्लियर नहीं होता है कि ये कंफर्म हो गया। अच्छा, ठीक है, उसकी जारी रखने के लिए उसको उसके हम काफ़ी सारे आयाम देखते हैं। तो आप एक लाइन करेंगे, दो लाइन करेंगे, उसके आकार पेंट करेंगे, उसकी टोन देखेंगे, फिर और आयाम देखेंगे, इस तरीके से वो अपने आप में सीरीज बन जाती है। लोगों को लगती है कि नहीं वो सीरीज है, तो फिर जैसे हमें देखना है तो हम उसमें लिख देते हैं कैजुअल फॉर्म जी, कि ये इस जी का G1 G2 मतलब इतनी हमने काम इसमें किए हैं और इतने आयाम देखे, मतलब इतने ज़्यादा हम कंपोजिशन उसमें सीख सकते हैं। तो वो पूरे कंपोजिशन की पूरी वो हो जाती है। जब कंपोजिशन से हम बीच बीच में अलग काम भी करते हैं, जैसे समय समय पे प्रयोग करते रहते हैं कि चलिए आज ऑयल में कुछ और आकार पेंट करते हैं, एक्रिलिक में कुछ और पेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हमें वही ड्रॉ करना है जो हम कर रहे थे। अच्छा, जैसे जैसे बातचीत में आ रही है कि आकार, जब हम आकार की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अगर हम उसको पेंट भी दें या पेंसिल भी पकड़ाएं या कोई चॉक पकड़ा दें, तो वो पहला जो कुछ बनाता है वो एक लाइन ड्राइंग करता है, मतलब वो एक शेप बनाता है, कोई ना कोई मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं, उसको पता भी नहीं है, लेकिन वो एक उल्टा सीधा खींचता है। तो कहीं भी मतलब लगता है कि आकार जब हम बोलते हैं तो आकार का मतलब एक उसके चारों तरफ मतलब उसका एक मतलब होता है कि हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। किसी चीज़ को अगर हमको समझना कि ये फला चीज़ है तो वो हम उसके आकारों से ही समझते हैं या उसके रंगों से समझते हैं। तो जब हम आकार की बात करते हैं तो आकार का मीन्स यथार्थ, मतलब वो रियलिस्टिक में, रियल में वो चीज़ें हैं। तो आकार का क्या मतलब यथार्थ से ही है या आकार कोई भी रूप हो सकता है? नहीं, आकार का मतलब जैसे कहीं हमने पढ़ा था कि यथार्थ वही चीज़ है, मतलब एक कलाकार, कोई कलाकार था, उन्होंने लिखा कि यथार्थ जो है वो आर्टिस्ट अपने मन में जो उसके मानस पटल पे चल रहा है या जो कुछ सोच रहा है पहले मन में, वो मतलब दुनिया में या कहीं है तो उस चीज़ को वो अपने थिंकिंग से उसको अपने माइंड में मेकअप कर रहा है, लेकिन जब वो उसी माइंड में जो चल रहा है उसको जब पेपर पे ले आता है तो
तो वो एक किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी आकार में एक रूप लेता जाता है, तो उस कलाकार के लिए तो वही यथार्थ है जो उसने सोचा, एक आर्टिस्ट ने सोचा, उसका कोई एक फॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो एक रूप लेके आया सामने। तो आकार का मतलब आपके हिसाब से क्या है? आकार है, आकार रूप एक ही है या अलग अलग है? तो यथार्थ और आकार रूप में क्या अंतर है? मतलब एक फॉर्मलेस एक फॉर्म। एक्चुअली पहले कोई भी रूप जो होता है सबसे पहले वो आकार ही होता है। जैसे कि आपने एक जिक्र किया कि एक बच्चे ने आकार और रूप में मतलब अंतर है, आकार और रूप में अंतर है। आकार रूप में केवल इतना अंतर है कि जब आप कोई आकार क्रिएट करते हैं वो आगे रूप होता है, सेकंड फॉर्म में होती है उसकी रूप होती है। आकार को हम कैसे मतलब वो करेंगे कि ये फला आकार, फला आकार है, ये तो यथार्थ का हो गया कि जैसे आपने ये रूप जब कोई डेवलप होता है तो वो यथार्थ बन, रूप जो है वो यथार्थ है आपका। आकार तो कोई भी आकार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आकार आपने देखा हुआ है। हाँ वही कह रहे हैं कि तो वो भी तो एक कोई एक आकार जो आएगा वो एक रूप ही लेके आएगा। हाँ तो वो रूप जो है जैसे मस्त भी लोग बोलते हैं कि ये मैंने घोड़े का रूप पेंट किया, आपने ये कलर लगा दिया तो ये एक आकार, ये केवल आकार है, ये आकार ही तो क्रिएट किया आकार है, लेकिन ये इसमें जो जिस रूप की आप बात करें पर्टिकुलर वो रूप नहीं, रूप मीन्स केवल यहाँ पेंटिंग है, केवल और केवल पेंटिंग है। रूप इसका जो है वो पेंटिंग है और आकार ही है, इसमें कोई रूप ऐसा नहीं है पर्टिकुलर पहले से कोई सोचा समझा वो रूप नहीं है। मतलब रूप आपके हिसाब से ये है यथार्थ फॉर्म को नहीं, मतलब जो कोई चीज हम बाहर देख रहे हैं उससे मिलता जुलता अगर कोई हमने हमारे पेंटिंग में हमारे कैनवस पे आ गया तो वो एक रूप का फॉर्म हुआ। हाँ और हमारे जो दिमाग में ये चीज चल रही थी ये तो अब एक मतलब यथार्थ में हमारे सामने एक असल रूप में आ चुकी है, लेकिन ये इसका कहीं पे मतलब हम एक रूप नहीं देख सकते। ये आपका एक क्रिएशन है, आपने दिमाग में सोचा और इसको आपने एक आकार दिया है, ये आपके लिए आकार भी है और उसी आकार को एक रूप आपने प्रदान किया रंगों से, आपने पिक्चर से जो भी। तो आपका मतलब कि जो रूप है जैसे बाहरी कोई आकार है तो हम उससे रिलेट करें तो वो एक तरीके से रूप है, उससे रिलेट कराएं, उससे रिलेट करते हैं। जैसे प्रॉपर वे में आप एक पेड़ का फॉर्म बनाते हैं वो आपको मालूम है कि ये पेड़ है, ठीक है, लेकिन वो पेड़ तो हो नहीं सकता, पेड़ तो जो है वो वहां पे है लगा हुआ है, आप इस पे पेड़ नहीं बना सकते। पेड़ का केवल और केवल आप एक आकार बना सकते हैं जिसको आप रूप के वे में जानेंगे कि ये पेड़ जैसा है वो रूप है, ठीक है, वो ना ही पेड़ नहीं है वो। तो आप केवल उसका आकार आकार को उसको ड्रॉ कर सकते हैं और जो आपने देखा हुआ होता है जैसे पेड़ देखा, पक्षी देखा, जो भी देखा, ठीक है, तो आप उसको वैसे जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे अब टैगोर साहब के एक चित्र देखें पक्षी के, तो उन्होंने लिखा कि वर्ड लिखा, उन्होंने कोई स्पेसिफिक वो नहीं लिखा कि नहीं ये चिड़िया है या ये कौवा है ये कबूतर है, स्पेसिफिक उन्होंने सीधे लिखा वर्ड, यानी कि वर्ड है ये उड़ सकता है, इसका भाव उड़ना है, ये उड़ सकता है, ये वर्ड है, उन्होंने कोई चीजें नहीं दी, उसका कारण ही नहीं था। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे जो दिल्ली में शो किया उसके ऊपर जो चटकीले रंग थे या उसमें जो कुछ फॉर्म थे उसके ऊपर कुछ मैं उस समय कुछ फोक को मॉडर्नाइज कर रहा था, फोक को मॉडर्नाइज करने का जो सेंस था कुछ बुंदेलखंड यूपी में जहाँ जहाँ भी मैं विजिट करता रहा हूँ बीच में, उनके जैसे पिकॉक के फॉर्म थे या मैं कॉलेज लाइफ में देखता था समोसे के फॉर्म, चाय के फॉर्म इस तरीके से होते हैं, वो मैं उसको कैजुअली बिल्कुल ड्रॉ करता था जैसे एक बच्चा ड्रॉ कर देता है, और मैं धीरे धीरे उसको पहले स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ज्योमिति आकारों में मैंने उसको ड्रॉ किया, उसके पहले यथार्थ फॉर्म में मैंने उसको ड्रॉ किया, फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में मैंने ड्रॉ किया, फिर मैं उसमें करीब एक साल मैंने डेढ़ साल काम किया उन आकारों को लेके, और मैं केवल मेरा जो भाव था वो ये था मैं कि उसकी सहज फॉर्म तक मैं पहुंच सकूं, तो मैं काफ़ी सारी करीब उसमें 200 से 300 मैंने काम किए उसमें उन आकारों को लेके, तो मैं उस तक पहुंचा। लास्ट में मेरा जो लास्ट काम था उसमें वो एक वाइब्रेंट येलो में काम था मैंने, जिसमें बच्चों की तरह एक सितारे जो सितारे होते हैं जो नाइट में
और सारे सितारे मतलब उनको मैंने देखने की कोशिश की, एक बच्चा सितारे को कैसे देखता है, उसके लिए कोई आकार नहीं उसमें था। हाथी उसमें हाथी वो मैं 2014 से 15 में मैं पेंट कर रहा था, वो भी वो खिलौने की सीरीज का था, उसमें एक खिलौना पेंट कर रहा था। मेरा विजन हाथी पेंट नहीं करना था, मेरा विजन जो था वो एक खिलौना पेंट करना था। खिलौना तो हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, मतलब चटकीले रंगों का प्रयोग था कि बच्चे जो खिलौने था उस टाइम पे मैं येलो रेड ग्रीन ऐसे थोक की ज्यादा चीजें हम देखते हैं कि वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो वो चटकीले के रंगों का प्रयोग ज्यादा होता है, तो क्या वो इसी हिसाब से करते थे कि लोग उसको अट्रैक्ट करें, या उनको कलर की सेंस नहीं होती थी? देखिए अब जब हम कैजुअली कलर का यूज करते हैं तो कभी भी जब कलर यूज करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये येलो हमें इस काम में आने वाला है, इसकी चोरी बताने वाले हैं। ये वो यथार्थ सत्य है जो सारे आर्टिस्ट जानते हैं समथिंग, लेकिन जब लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यार येलो यूज क्यों कर रहे हैं, रेड यूज क्यों कर रहे हैं, अरे भाई मेरा मन है, मेरा भाव है, आज रेड भाव है मेरा, मैं रेड यूज कर रहा हूँ, येलो भाव है, येलो यूज कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब कोई भाव को हम उनके सामने प्रकट तो कर सकते हैं ना, प्रकट बिल्कुल, तो वो तो पूछते हैं इसलिए समय है उनको, मतलब नहीं समझ भाव का समय होता है, वो देखा तो वो चाहते हैं कि वो एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में समस्या है कि संस्कारों की, जैसे मैंने बात की संस्कार दिए ही गए ना पहले, समस्या ये नहीं भाई, भारत की बहुत सारी ऐसी संख्या है परसेंटेज में जो बहुत कम, मतलब कला हमने भी नहीं प्रयास किया, या हमसे पहले भी लोगों ने प्रयास नहीं किया, या सरकार ने भी आज भी नहीं प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कलाकार कला को समझें और जानें और कलाकारों को प्रोत्साहित करें। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, ये बहुत मतलब यथार्थ है यहाँ की कि हम उसमें पीछे हैं, मतलब कलाकार तो ठीक है अपना कला अपना क्रिएशन कर रहा है, लेकिन और जो लोग तमाम गड्ढियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, उनको तो चाहिए कि बहुत बड़ा कुनबा उसमें जुड़े, या कुछ ही लोग जुड़ें, कुछ ही तक सीमित न रहें। तो अब आम आदमी के हिसाब से भी तो हमको एक कला को सोचनी पड़ेगी कि हम एक और भी एक संसार क्रिएट करें कि जिससे कला का एक बाजार भी पैदा हो, क्योंकि कुछ ही लोग होंगे तो वो कब तक खरीदेंगे या कब तक उसी को प्रमोट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो हमारे लिए कलाकारों के लिए और एक मतलब एक कल्चर डेवलप होगा, तो उसके लिए तो हमको कलाकार को भी चाहिए कि वो चीज़ें उसको बताए, वो सहज में पूछता है कि आपने ये रंग क्यों यूज किया, आपने ये क्यों बनाया। तो हमको ये होना चाहिए कि हमको उस पर एक मतलब द्वंद्व नहीं करना चाहिए, हमको उसको बहुत सरल तरीके से उसको बताना चाहिए ताकि उसकी द्वंद्वता खत्म हो और उस चीज़ को समझे, और ताकि वो अपने और लोगों को प्रमोट करे और आपको भी प्रमोट करना चाहे, क्योंकि वो जब तक वो समझेगा, जब तक वो करना चाहेगा कम तब तक वो आपको प्रमोट करे और एक मार्केट जो कला का एक स्वस्थ मार्केट वो डेवलप हो। तो हमको नहीं लगता कि अगर कोई पूछता है कि आपने ये रंग क्यों यूज किया, आपने ये आकार क्यों बनाया, आपने यही क्यों बनाया, तो इसमें कलाकारों को ज़्यादा द्वंद नहीं करना चाहिए। लोकल केवल मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इंसानों की जो कला के बारे में नहीं जानते। एक्चुअली जब कोई ऐसे पर्सन आते हैं जैसे कि उन्हें कला के बारे में जानकारी नहीं, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनको एक एक चीज के मायने बताएं। नहीं तो ये हो सकता है कि वो भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, भले वो अपने आप को कि हम बहुत नॉलेजबल हैं कला के क्षेत्र में ऐसे हैं, तो हो सकता है कि हमको हम उन्हीं के कैटेगरी में रहते हैं उनको हम बताने की कोशिश करें कि जो वो कुनबा है जिनको नहीं पता है वो सहज में पूछ रहा है, तो हमको ये करना चाहिए कि हम उनको वही बताएं जो पूछ रहे हैं। सहज जो ठीक है, उनको हम जानते बहुत बड़े लेखक हैं या बहुत बड़े पत्रकार हैं या बहुत बड़े कला को जानने वाले हैं, लेकिन जब वो इन्होंने ये क्वेश्चन आपको लगता है ये प्रश्न इन्होंने पूछ दिया, तो ये किस समय समय पे एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं, उस समय अवधि पे बड़ा मायने रखती हैं कि जिस समय उन्होंने पूछा है उसी समय उनको ये आंसर बिल्कुल प्रॉपर देते हैं एग्जीबिशन हॉल में। ये होना चाहिए और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि अगर हमारी एग्जीबिशन में कोई देखने आया है। तरीके से कलाकार जो अपना वर्क को प्रेजेंट कर रहा है या अपने स्टूडियो में काम बना रहा है, उसका ये भी एक मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने काम को गैलरी क्यों ले जा रहे हैं, वहाँ 10 तरीके के लोग आएंगे, वो पूछेंगे, तो हमको उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। भाई बायर्स भी आएगा, खरीदने वाला भी आएगा, तो एक तरीके से हर आदमी हर बायर्स कला का नॉलेज नहीं रखता, वो बहुत होता है कि उसको भाई ये कलर बहुत अच्छा है, ये बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको नॉलेज होता है कि ये पेंटिंग रखनी चाहिए और इसके जो प्रभाव हैं या जो कुछ है वो रखता है,
लेकिन उनको लगता है परसेंटेज में कम है जिनको जो खरीदते हैं और उनको कला की नॉलेज हो। उसके लिए अवेयरनेस के लिए बड़ी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि चल रही हैं, चल रही जमीनी जमीनी तौर पे वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें जो कला और संस्कृति को लेके बिल्कुल कार्यरत हैं लगातार, और उनके नाम पे लाखों करोड़ों रुपए खा रहे हैं, लेकिन वो क्या कि वो जमीनी तौर पे मतलब सही तरीके से उसका जमीनी तौर पे नहीं है कि प्रॉपर तरीके से जाके शिक्षा देते हों कि ये कलाकार में बैंगॉक भी आता है, राजा रवि वर्मा भी आता है, मृता शेरगिल भी आती हैं और समकालीन कलाकार ये हैं, तो उनको अवेयर करें जिससे वो जब एक प्रदर्शनी देखने जाएं तो उनको ये बिल्कुल पता हो कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग ऐसी थी, वो अब ये यात्रा यहाँ यहाँ से होके हमारा इंडिया यहाँ तक पहुँच गया और वेस्ट से ये वो खुद जाने कोशिश करें जानने की, तो ये तब संभव होगा तब हम अवेयर करेंगे। हाँ, और अवेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो एक चित्रकार की, कलाकार की भी है। हाँ, और उनकी तो है ही। हाँ, दोनों लोगों की, इसमें सबकी है, कलाकार की भी है, जो लिखने वाले उनकी भी है, पत्रकारों की भी है, जो अपने आप को कल्चरल से बहुत समर्पित समझते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और यहाँ तक कि ये नहीं होना चाहिए कि हम अगर हमको इंटरेस्ट हुआ तो हम खुद उस चीज़ को क्रिएट करें, ठीक है, अगर हमारे अंदर एबिलिटी तो हम करें, लेकिन हम सबसे पहले उस कलाकार को प्रमोट कर सकते हैं, उसको एक स्तर दे सकते हैं जहाँ तक हम संभव करें, ये होना चाहिए। और जिस चीज़ को मतलब हम हमको भी जब से हम देख रहे हैं सब चीज़ों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कमी लगती है, मतलब अन्य प्रदेशों की अपेक्षा लोग होता है, जैसे मुंबई में ये पेंटिंग भी की, हमारे यहाँ से भी लोग आर्टिस्ट जाते हैं तो बिकती है, तो लोग जाते हैं वहाँ भी की, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत लगे कि हाँ इतनी तरीके की पेंटिंग भी की हो, या जो उस चीज़ का हो कि बहुत अच्छी कलाकृति इन्होंने खरीदी, खरीदते होंगे लोग जा कर के बाहर से खरीद के लाते हैं, लेकिन क्यों यहाँ के कलाकार भी पलायन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई चीज़ें इस तरीके से डेवलप नहीं की गई या अभी भी प्रयास नहीं किया जा रहा है इसी तरीके से। बात यहाँ पे जैसे आप काफ़ी टाइम से अभी सक्रिय हैं और जिस पत्रिका में आप चाहे संपादक के रूप में काम कर रहे हैं राग रंग, तो राग रंग भी करोलकर साहब जो हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस तो है, लेकिन जो जिस स्टेज पे और आना चाहिए चीज़ों को लेके, यंग आर्टिस्ट को लेके आना चाहिए, यंग आर्टिस्ट पे बात करना चाहिए, अभी क्या कि हम इतने पुराने आर्टिस्ट पे लेके जाएंगे और केवल एक जो मरने की कगार पे है केवल हम उनको तो उठाने में लगे हैं, वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो यंग आर्टिस्ट है कंटिन्यू काम कर रहा है, सालों काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बिक रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ नहीं आ रहा उसका, जीरो पैसा, तरीके से नहीं सपोर्ट कर रही है वो। जहाँ तक हमारी बात है, अभी तक आप हमारे पोर्टल पे देखिए या हमारे पत्रिका में देखिए, हमने यंग आर्टिस्ट को मौका दिया है, और आज भी हम अपने पोर्टल पे अभी आज ही इधर अपडेट करते हैं, हमारा भी यही पर्पज़ है क्योंकि हम खुद यंग हैं और उस चीज़ को, उस चीज़ से हम गुजर भी रहे हैं, उस चीज़ को जूझ भी रहे हैं, और इसके वजह से हम आज आपसे भी बात कर रहे हैं कि कम से कम इसी तरीके से कलाकारों से बात करें, उनको लाएँ, तो हमारे जो नाद रंग पत्रिका है या जो हमारा रंग राग पोर्टल है, तो उस पर ये प्रयास है, अभी भी हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, अभी आज ही हमने मुंबई में जागीर में सो चल रहा पूनम की शो, उनके बारे में लिखा है, फिर अभी अमित कुमार हैं लखनऊ के, उनको भी उनका भी शो है, और इससे पहले अभी सुलेमान है वो भी हमारे लखनऊ आर्ट कॉलेज से रहे, और अभी हम कंटिन्यू, हमारा एक सीरीज है, हमारा एक ध्यान है कि यंग आर्टिस्ट को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो वही आगे जाकर के एक वरिष्ठ होंगे, तो अगर आज उनको एक पहचान नहीं मिलेगी तो कैसे उनको जानेंगे, कब तक हम, ठीक है वरिष्ठ का रिस्पेक्ट हमारा करना फर्ज है, उनको हम करेंगे, और लेकिन हम यंग को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आने वाला भविष्य तो यंग ही है, उनके आशीर्वाद से, उनके लोगों से, उनके सहयोग से ये काम होना है, हमको दोनों को पहलू मिलने की जाना है, तो चलिए खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, एक प्रयास है हम दोनों, हम लोगों का, हम सबका प्रयास है, लेकिन एक तरीके से अगर ये आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की चीज़ें करनी हो जो हम लोगों ने बात की, तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं या क्या करेंगे, या यहाँ के जो कला संस्थान हैं वो या एकेडमियाँ हैं क्या कर रही हैं अभी टाइम पे, तो अभी यूपी अकेडमी, मतलब एक जेन्युइन कलाकार के लिए या जेन्युइन कला के लिए आज उत्तर प्रदेश में क्या गतिविधि हो रही है,
अभी तो उत्तर प्रदेश एकेडमी ने एक अच्छा प्रयास किया कि वो जगह जगह अपना कार्यशालाएं चलाएगी और इंटरमीडिएट से लेके हाई स्कूल से लेके वो कार्यशालाएं तो चित्रकला की है चित्रकला के वो बारे में बताएगी और ये चीज़ें हर जिले में होंगी। तो एक अच्छा प्रयास है। अभी देखना ये है इसमें उनका स्तर क्या कि है। स्तर उसका स्तर क्या रहेगा, उसका किस तरीके से करवाएंगे और इसमें जो उस जिले के कार्यरत कलाकार हैं तो उनका उसमें क्या रोल रहेगा, क्योंकि उनसे बेहतर उस जिले को तो कोई जानता नहीं है। ठीक है, जैसे आजमगढ़ में काम करना है हमें, गाजीपुर में काम करना है हमें, कार्यशालाएं कराना है, तो हम बेहतर ये है कि गाजीपुर के कलाकार को लें, क्योंकि गाजीपुर को उससे बेहतर आप नहीं जानेंगे। तो उनका उसमें क्या रूप रहेगा और ये कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर्टिस्ट को, इसका मतलब कि दोनों लोग रिप्रेजेंट सबको को। मतलब सहयोग करना हाँ, पड़ेगा तभी ये सबको चीज सबको डेवलप हो उसमें पाएगी। सबके सहयोग की जरूरत है। जिला लेवल पे जो आर्टिस्ट काम कर रहा है वो भी रिप्रेजेंट होगा तो मेरे से ज्यादा बेहतर है कि वो आर्टिस्ट भी रिप्रेजेंट होगा, वो काम चीजें करवाएगा। अच्छा, ये जो आपका एक ग्रुप है वर्णाभिनय, इसके बारे में बताइए और ये इसके थ्रू आपने अब तक क्या किया है या कर क्या रहे हैं। ये वर्णाभिनय ग्रुप मैंने भारत भवन में हमारा शो था, संजय राजपूत और मेरे साथ दोनों लोगों का। तो उस दौरान एक हमारे मन में एक चीज़ आई कि एक इस ग्रुप का मतलब ये जो हमारा शो है इसका क्या नाम रखा जाए, तो मैंने उसका पूरा प्रारूप तैयार किया कि इसका नाम वर्णाभिनय रखा जाए, जो रंग वर्णाभिनय मीन्स रंगों के साथ खेलना। तो उस टाइम पे मैं रंगों का चटके मंचन। हाँ मंचन, मैं रंगों उस टाइम पे मोस्टली मैं वाइब्रेंट कलर उस टाइम पे यूज़ करता था। तो इसके बाद हम लोगों का जो शो हुआ तो उसी टाइम पे एक चीज़ आई कि बहुत समय से यूट्यूब में हम लोग कुछ नहीं देख रहे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एक स्टेज तक लोगों को लाए, यंग आर्टिस्टों को लाए, उस पर बात करे, उनको सपोर्ट करे। तो फिर हमने क्या किया, हम लोगों का प्रयास रहा कि यंग आर्टिस्ट को एक स्टेज पे लेके आना। तो हम इसमें कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें आपके बांग्लादेश, नेपाल और ये जेवियर मुनीस पेरिस से, जेवियर मुनीस हैं पेरिस से हैं, और करीब इंडिया छः हाँ इंडिया के, इंडिया के के भोपाल, आपका मध्य प्रदेश है, साथ महाराष्ट्र है, से और जितने करीब समथिंग आप ले लीजिए एक या दो राज्य इंडिया के छूटे हैं जहाँ से आर्टिस्ट नहीं हैं इसमें, और कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं तो लोग, केसर इसमें मतलब किस तरीके की जी। चीज़ों को आप मतलब इसमें हम डेवलप लोग का करते जो हैं। दो तीन चीज़ों को इसमें अलग करके रखे हैं, जैसे पॉलिटिकल और धार्मिक चीज़ें, इनको हम अपने उस मंच पे लाने नहीं देते हैं। इस पे हमारे मंच के लिए केवल उन सब चीज़ों को करते प्लेन हैं। विवाद ही क्रिएट हाँ होता है विवाद उनसे, क्रिएट होता है क्योंकि कला उससे का ग्रुप है तो उसमें हाँ कला की हाँ कला बातें के हैं क्षेत्र तो में हम लोग जैसे आर्ट रेजिडेंसी हैं, बड़े शो हैं बाकी या उन सब कोई चीज़ों के लिए आप हाँ लोग हैं वो कर रहे हैं। हाँ और कौन सा आर्टिस्ट कहाँ पे जा रहा है तो वो चीज़ें उस पे शेयर होती हैं जिससे यंग आर्टिस्ट को वो ला सकें, उनको मिल सकें तो अभी प्रॉपर। तक मतलब ये आपके एक तरीके से डिजिटल ये काम चल रहा है, लेकिन अभी एक जमीन पे उस चीज़ का क्या प्रारूप रहा है, या अभी अब तक कोई इवेंट आपने इस तरीके से किया या अभी प्रयास कर रहे हैं या कभी आप करने का अभी क्या प्लान है उसका, अभी हमारे जो कुछ कोई प्लान है संवाद हो या हाँ कोई प्रदर्शनी हो कुछ अभी इस तरीके से आपने अभी किया। एक तो पहला प्लान हमारा जो अभी अभी एक एग्जीबिशन करने का है कि एक नया एग्जीबिशन क्रिएट करेंगे यंग आर्टिस्ट का, और इसके बाद पहले तो वर्णमय आर्टिस्टों का हम शो करने वाले हैं उसमें, और दूसरा ये है कि तो जमीनी वर्ण अभिनय में क्या सिर्फ यंग आर्टिस्ट हैं या नहीं, उसमें यंग आर्टिस्ट हैं, मोस्टली। वरिष्ठ कलाकार हैं और सीनियर कलाकार हैं, जानी मानी हस्तियाँ हैं उसमें। और साथ ही हम उसमें एक प्रोग्राम ये है कि हम जगह से जैसे कुछ सब्जेक्टिव आर्ट के ऊपर उनके इंटरव्यू करने वाले हैं यंग आर्टिस्टों के और सीनियर आर्टिस्टों के, जिससे ज़मीनी तौर पे भी लोग उनसे मल्टीमीडिया चीज़ों से जुड़ सकें। अच्छा, अभी तक मतलब आपने किन किन मतलब भारत के किन किन कलाकारों को जो इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया को, किन किन कलाकारों से आपकी मुलाकात हुई है और किन किन से आपने कला के ऊपर बातचीत की है। मेरी मुलाकात प्रभाकर कोरते जी हैं और अखिलेश वर्मा हैं, यूसुफ सर हैं, देवीलाल पाटीदार हैं, और हमारे यूपी से काफ़ी सारे कलाकार हैं क्योंकि हम यहीं पे हैं, जय कृष्ण अग्रवाल जी से लेके बाकी जो हम यहीं पे रह रहे हैं, तो ये तो जनरल चीज़ें हो गई यहाँ पे। बाकी दिल्ली में यंग आर्टिस्ट जितने हैं और
मध्य प्रदेश हैं और आपके रघु जी हैं नागपुर से, चाबते जी हैं मुंबई से, तो ऐसे तमाम कलाकार हैं जिनसे, और कुछ बहुत ज़्यादा अवेयर कलाकार हैं, सीनियर कलाकार जैसे अखिलेश वर्मा जी हैं और ये कोल्टे जी हैं और चाबते जी हैं, रघु जी, ये लोग मतलब इतने अवेयर रहते हैं, और जयपुर से हरित हैं, अमित हरित हैं, इस ग्रुप में मतलब सारे ही लोग हैं, प्रभाकर कोल्टे हैं, अखिलेश हैं, ये लोग क्या अपने अपने बातचीत रखते हैं? नहीं, ये लोग कभी कभी अपनी बात रखते हैं, और ये चूँकि जो वर्मा जी हैं ये समय समय पर इनकी पुस्तकें लॉन्च होती रहती हैं, ये उनमें अपने पूरे विचार रखते हैं, और साथ ही इतने अवेयर चित्रकार हैं कि समय समय पे अपने अच्छी तरीके से सारी जगह जाके अपने विचार रखते हैं, और कला के बारे में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में खुल के अपने विचार रखते हैं, बात करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर, वो चीज़ें सारी तरफ, मेरा ये है मानना कि सारी तरफ रहेंगे, और स्वतंत्र रूप से लोग विचारों को अपना बांटेंगे, और एक दूसरे जो आदान प्रदान का जो चीज़ें हैं, जब आप आदान करेंगे तभी प्रदान होगा, इसलिए आदान प्रदान के नाम से जाना जाता है उसको, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये चीज़ें संभव नहीं होंगी। अच्छा ये मतलब अच्छा रहा एक हम लोगों का प्रयास जो था बातचीत के दौरान आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए, एक ग्रुप के लिए, और एक हम आर्टिस्ट से बात करने के लिए जो सक्रिय हैं एक तरीके से लोगों को लेकर के काम कर रहे हैं। तो यही है कि मतलब वर्णभिनय के थ्रू कुछ ज़मीनी स्तर पे भी कुछ काम कर रहे हैं, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं, और यंग आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, और जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं उनको भी अपने साथ में लेकर के उनसे बातचीत करते हुए हम अपनी कला को एक नया रूप प्रदान करें, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश को हम एक जिसको हम जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कला के स्तर पे हम पहुँचाएँ, और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, जो आप कला प्रेमी हैं, कला के लेखक हैं, कला के समीक्षक हैं, पत्रकार हैं या आर्टिस्ट हैं, या किसी भी रूप में आप कलाकार और कला का सहयोग करना चाहते हैं, तो आप खुल के सामने आइए, और कुछ नहीं आप नहीं कर सकते, आप खरीद नहीं सकते, तो आप कम से कम कलाकारों को प्रोत्साहित न करके आप प्रोत्साहित करिए उनके, और कलाकारों का भी एक बहुत बड़ा सहयोग होगा कि वो अगर अपने चित्रों को एक अच्छे मतलब बड़े दामों पे न करके अगर आम जन तक कला को पहुंचाना है तो एक छोटे रूप में भी हम उनको आम लोगों को अपने कलाकृतियों को उनके घरों तक पहुंचाएं कम से कम रूप में, क्योंकि हम फ्री तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कुछ कुछ हम मेहनत होती है कलाकारों की, तो कुछ नहीं तो आप कुछ सहयोग दे करके ताकि कलाकारों का भी एक यात्रा चलती रहे और वो आपका भी एक सहयोग मिलता रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको स्वतंत्र कोई फ्री नहीं मिलती, कोई ना कहीं 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 वो चीज़ें हमको पेड करनी होती है। तो अच्छी बात है आज हम इस चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं और हमने बात किया, अब आगे नेक्स्ट इसी सीरीज में हम फिर किसी नए कलाकार को लेकर आपके सामने आएंगे, और आपसे एक सहयोग भी रहेगा कि आप अपने बातों को अपने विचारों को हम तक पहुँचाएँ और इस वर्णभिनय को के माध्यम से पहुँचाएँ, और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लेकर के कला और कलाकारों को, उसमें हमारे संवाद होंगे, हमारे प्रदर्शनियाँ होंगी, हमारे चीज़ों को कला को लेकर के आएंगे आपके सामने समय समय पे, और लेकिन आपका भरपूर सहयोग रहेगा, आप कुछ नहीं तो आप एक कलाकारों को प्रोत्साहित करिए, और जो उत्तर प्रदेश में लिखने वाले हैं खासतौर पर कला को जो एक रूप प्रदान कर रहे हैं, आप भी खुल के सामने आइए और अच्छा कुछ लिखिए ताकि कलाकारों का एक मनोबल बढ़े, और जैसे हम अन्य प्रदेशों में देखते हैं और वहाँ जाके खरीदते हैं कलाकृतियाँ, तो हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे बीच में हैं और एक लेवल पे हैं, और नए जो नवांकुर कलाकार हैं उनको भी आप प्रमोट करिए, वो आपके सामने एक टाइम आएगा कि आप जैसे हुसैन की पेंटिंग टांगते हैं, विकासों की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, तो इसी इन्हीं सब चीज़ों में से आपके बीच से ही कोई कलाकार निकलेगा, तो लेकिन तभी हम कह पाएंगे कि जब हम उन कलाकारों को प्रमोट किए रहेंगे तभी हम उस कहने के हकदार होंगे कि जिनको आज हम कहीं ना कहीं हम प्रमोट किए होंगे। तो मैं भूपेंद्र कुमार अस्थाना और रंग पोर्टल पे लिखता भी हूँ, नादरंग से एक सह संपादक के रूप में भी काम कर रहा हूँ, तो आपके बीच फिर आएंगे, उसके लिए धन्यवाद।